हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। जब मैं प्रेग्नेंट, मतलब जब मैंने कंसीव नहीं किया था, तब मेरा वेट था 66 किलो। जब आखिरी विजिट थी मेरे डॉक्टर से, उस समय 85 किलो था। और उसके बाद में अभी जो मेरा वेट है वो है 67 किलो। तो ये आपको मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर दे रही हूँ अपने उसके। और तो आप कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से टिप अपन यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि डिलीवरी के बाद भी कई लेडीज़ बोलती हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, और लोग भी आपसे बोलते हैं तुम कितनी मोटी हो गई हो। इन सब चीज़ों को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है वो हार्मोनल चेंजेस हैं। चाहे आपकी डिलीवरी कैसी भी हो, सी सेक्शन हो या चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको मैं बताऊँ, मेरे लिए ये अपना वेट घटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी और बेटी के बर्थ के टाइम में मेरा ब्लड प्रेशर करीब 224/200 पहुँच गया था। नॉर्मली इट शुड बी 120/80। तो आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा रिस्क था, मेरे जान को बहुत बड़ा खतरा था। तो डॉक्टर्स ने इसलिए अचानक से इमरजेंसी सी सेक्शन किया। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ये जो फोटो आपने देखा ये ऑपरेशन के तुरंत बाद का नहीं है, फोटो जो है वो करीब 3 हफ्ते बाद का है। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस समय तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी और वाटर रिटेंशन था मेरी बॉडी में कि ऐसा लगता था कि ना अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ है। तो ऐसा मत सोचो कि अभी आप जैसे दिख रहे हो हमेशा सारी ज़िंदगी वैसे ही दिखते रहोगे। तो मेरा पहला टिप अब मैं आपको बताऊं कि 6 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं करना, बस अपने बेबी के ऊपर कंसंट्रेट करो और ब्रेस्ट फीडिंग को एंजॉय करो और अपनी रिकवरी में ध्यान दो। क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, मतलब बिफोर प्रेगनेंसी आपका जो यूटेरस होता है वो एक इतना सा होता है, मतलब एक नाशपाती के साइज़ का होता है। और जब आप अपने प्रेगनेंसी के एंड में आते हो तो इसका साइज़ एक वाटरमेलन के साइज़ का हो जाता है। तो इसके कारण जो है वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं अपनी, जो हर चीज़ को नीचे एक हॉरिजॉन्टल मसल्स का की एक दीवार टाइप की होती है, वो हर चीज़ को अपने प्लेस में रखती है। पर प्रेगनेंसी के इतने सारे लोड के कारण आपकी, मतलब आपकी डिलीवरी चाहे कैसी भी हुई हो, आप एकदम से यदि एक्सरसाइज करोगे तो लाइफ टाइम के डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए 6 हफ्ते स्टैंडर्ड टाइम है, अपने बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए, अपने यूटेरस को पहले जितने साइज में आने दीजिए, उसमें मतलब उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना और अपने बेबी के साथ में कोऑर्डिनेट करिए, उसकी उसका रूटीन सेट हो जाने दीजिए, कम से कम उसको इतना स्ट्रांग हो जाने दीजिए कि आप 5 मिनट उसको छोड़ सकें और आप एक्सरसाइज कर सको। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं जो ट्रेडिशनल अपने यहाँ इंडिया में रेमेडीज होती हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, जो अपन को देते हैं पोस्टपार्टम में जो देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और बेसिकली मेरा नोशन ये है कि वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। तो उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है घी। तो घी आप ले सकते हो। नॉर्मली आपका वेट गेन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में 10 से 15 किलो होना चाहिए, मेरा 19 किलो हुआ था। इसलिए मैं जो है वो घी अवॉइड कर रही थी। पर यदि आपका 15 किलो से अंडर वेट है तो आप घी आराम से ले सकते हो, क्योंकि घी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर दूसरा कंपोनेंट होता है अजवाइन या अदर स्पाइसेस, अजवाइन मेथी और अदर स्पाइसेस। जो अजवाइन और मेथी होती है वो ब्लोटिंग रिलीफ करती है और साथ ही साथ वो मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। तो जो भी आप रेमेडीज ले रहे हो, नट्स लेते हैं इसके बाद में डिलीवरी के बाद में अपने उसमें मखाने, गुड़, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उसको खाना अवॉइड मत करिए, बस ये कोशिश करिए कि आप उसको कंट्रोल में खाएं। और यदि आपका ब्लड वर्क नॉर्मल है तो फिर आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यदि आप सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं ये लड्डू खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपकी रिकवरी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। फिर दूसरा है, जितना ज़्यादा हो सके आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं,
इस मोमेंट को एंजॉय करें, स्पेस को एंजॉय करें। और जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा था तो मेरा वेट अचानक से बहुत कम हुआ था, तो ये तो अच्छी बात है, हम तो वेट ही कम करना चाहते हैं। फिर 6 वीक के बाद में हम लोगों ने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू करी थी। इनफैक्ट मैंने 6 वीक के बाद में नहीं, 12 वीक के बाद में एक्सरसाइज शुरू करी थी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी घर में एक्सरसाइज करने में दूसरों के सामने। तो पर हम लोग वॉकिंग में जाते थे, वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपको हमेशा कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर जो मैंने आपको पहले बात बताई थी पैल्विक फ्लोर की, आपको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना जिससे आपके पैल्विक फ्लोर में नुकसान हो। यदि आप जो है वो भारी चीज़ें उठाओगे तो आपके पैल्विक फ्लोर डैमेज हो सकता है, यदि आप है ना दौड़ोगे एकदम से तो आपका पैल्विक फ्लोर डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस नहीं करनी, सिंपल एक्सरसाइजेस करो जिसमें ज़्यादा जंपिंग वगैरह नहीं हो, और थोड़ी बहुत ऐसी एक्सरसाइजेस हो जैसे आप अपने थाइज और थाइज की मसल्स में कॉन्सेंट्रेट करो। तो आप स्क्वैट्स कर सकते हो पर आप जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते। तो बेसिकली लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करना है। 12 वीक के बाद में आप अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हो, वॉकिंग के लिए जाओ और घर के बाहर निकल सकते हो। बच्चे भी तब तक थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए हर एक केस में। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आपका बेबी हो जाता है तो फिर कुछ टाइम के लिए आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जिसको बेबी ब्लूज बोलते हैं, या फिर मतलब डिप्रेशन फील करते हो। तो ये चीज़ नॉर्मल है। अपने जीवन साथी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अपने आसपास के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अपनी लाइफ में निराश फील करना, अपने बच्चे के ऊपर भी थोड़ा गुस्सा करना, ये वाली चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती हैं। और आपको समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों से आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं होने दो। तो फिर आप इनको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। फिर आप ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जो मम्मी और बच्चे साथ में कर सकते हैं, और या फिर ना हम बस बच्चे को आप फ्लोर में थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो तो आपको देखना एंजॉय करेंगे सही में। तो तब आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर मैंने एक और वर्कआउट का लिंक दूंगी इसमें आपको, तो भले वो आपको भाषा समझ में नहीं आएगी, वो है तो जर्मन में, पर एक्सरसाइज आप उसको देख देख के कर सकते हो, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर मैंने बहुत सारे डाइटरी चेंजेस भी कर लिए, जैसे शुगर की जगह मैंने अंजीर या फिग्स लेना शुरू कर दिया, डेट्स खाने शुरू कर दिए, और ये घी की जगह जो है वो गुड ऑयल्स आप ले सकते हो, जैसे वॉलनट या अखरोट का तेल, लिनसीड या अलसी का तेल, या फिर बादाम का तेल या आमंड्स का तेल। तो आमंड्स जो है वो बहुत मतलब बिल्कुल वरदान की तरह है। यदि आपका मतलब आपके डिलीवरी के बाद में रिकवरी के लिए बादाम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप कहीं भी हो आप बादाम खाओ, बादाम का तेल खा लो घी की जगह, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर मैंने सॉल्ट भी कट डाउन करा था। हाँ, सॉल्ट कट डाउन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सॉल्ट कट डाउन करने से जो है वो आप फूले फूले नहीं दिखते हो। तो मैंने तो बेसिकली सॉल्ट लेना बंद ही कर दिया था, तो सॉल्ट की जगह मैं काला नमक या वो लेती थी, वो भी एक्सट्रीम केसेस में, यदि मेरे को लगता था कि थोड़ा मतलब मेरे को यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो फिर मैं ना सॉल्ट लेती थी थोड़ा वो, और ये वाला हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर काला नमक लेती थी। फिर बीच में फर्टिलिटी डाइट और इसके कारण प्रेगनेंसी के समय के प्रिकॉशंस के कारण मैं सलाद बिल्कुल भी नहीं खाती थी, पर फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सलाद लेना शुरू करा, हर मतलब बहुत सारा नहीं, हर मील के साथ थोड़ा सा। तो यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी जो है वो मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो कुछ मतलब हर एक वीक में एक नया वर्कआउट लूँगी, वो करूँगी, फिर उसका रिव्यू दूंगी और बताऊँगी कि है ना उससे मेरे बॉडी टाइप और वेट में क्या डिफरेंस हुआ। तो आप फॉलो करते रहें, साथ में मैं टिप भी दूंगी कि है ना बेबी के साथ में और यूट्यूब के स्ट्रेसफुल टाइम के साथ में मैंने ये सब कुछ कैसे मैनेज करा। अब स्ट्रेसफुल टाइम की बात चलिए तो मैं आपको बताऊं, 20 फरवरी से यूट्यूब मेरे वीडियोस को डीमोनेटाइज कर सकता है यदि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए तो प्लीज़ आपकी हेल्प मेरे को बहुत बहुत चाहिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो
और आई विल बी देयर फॉर यू. सो एंड आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड इतने इतना प्यारा आपका बेबी हुआ है, तो इस फेज को एंजॉय करिए. एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.